अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो बैलेंस है वो 72 हो गया है और अब मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। शीट मैंने यहाँ खोल ली है और मुझे वो कह रहा है कि पहली ट्रेड आपने लेनी है 4.96 की। 4.96 मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, तो मैं यहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ अलग नाम से। यहाँ मैंने एक बाय की ट्रेड ली है। तो ये हमारी ट्रेड लॉस हो गई है। हम यहाँ लिख देते हैं कि भाई हमारी ये प्रोडिक्शन जो थी वो गलत हो गई है। वो कह रहा है कि 8.37 की ट्रेड लेनी है आपने, 8.37। यहाँ मैंने अगेन बाई की ट्रेड ली है। देखते हैं कि ये विन होती है लॉस होती है। अगर ये लॉस होती है तो अगली ट्रेड कह रहा है कि 12.55, 12.55। की कह रहा है ट्रेड। अगर ये हमारी लॉस होती है तो फिर हम अगली ट्रेड जो करेंगे वो $12.55 की करेंगे। ये ट्रेड हमारी विन हो गई है, तो हम इसको बता देते हैं कि भाई ये वाली विन हो चुकी है। अगली ट्रेड क्या रहा है वो 5.2, 5.02, 5.02। यहाँ मैंने एक और बाई की ट्रेड ली है, क्योंकि यहाँ सेलर्स तो बने हैं सेम एरिया से मगर रिजेक्शन के साथ बने हैं। रेड बनी है मगर रिजेक्शन के साथ बनी है और अगला लेवल ये है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल मिल सकती है देखने को, लेकिन ये अगर हमारी लॉस हो जाती है तो अगली कह रहा है कि 11.30 की ट्रेड लेनी है आपने। 11.30 सेंट। तो देखते हैं यहाँ क्या रिजल्ट आता है। तो ये ट्रेड हमारी फिन हो चुकी है। हम यहाँ लिख देते हैं W। अगली ट्रेड हमें कह रहा है कि 5.67 की ट्रेड लेनी है, 5.67। यहाँ मैंने एक सेल की ट्रेड ली है, उसकी वजह ये है कि यहाँ से
सेलर्स पहले भी आ चुके थे, एंटर हुए थे, तो मे भी यहाँ पर भी सेलर्स दिखाई दे सकते हैं। कैंडल ने बहुत ज़्यादा फास्ट मूवमेंट दी है, तो मेरी जो ट्रेड है वो बिल्कुल ही थोड़ी सी नीचे लगी है। मेरी ट्रेड यहाँ लगनी चाहिए थी बिल्कुल ऊपर, जहाँ से कैंडल ओपन हुई है, मगर ये इतनी तेज़ी से नीचे आई कि मेरी ट्रेड नीचे लगी है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये विन होनी चाहिए ट्रेड। लेकिन अगर ये लॉस होती है तो हम इस शीट को बताते हैं। वो कह रहा है भाई अगर लॉस हो जाए तो अगली ट्रेड 9.57 की करनी है, 9.57। तो ये ट्रेड हमारी लॉस हो गई है। सेलर्स तो यहाँ पर मौजूद हैं, मगर ये मैं यहाँ पे अगेन बाय के मैंने ट्रेड ली है। थोड़ी सी रिस्की ट्रेड है ये, और मगर ये हो सकता है लॉस हो जाए, क्योंकि अगले, हाँ ये लॉस हो जाएगी। यहाँ से रिवर्स होनी है मार्केट। अगर ये इस कैंडल इसको टच कर दे एक दफ़ा, इस लाइन को टच कर दे तो फिर ये लाल पक्की पक्की बनाएगी ही बनाएगी अगर इसको टच कर दे तो। मगर इसने भी टच नहीं किया, सिर्फ ये यहाँ तक पहुँची है, यहाँ तक ऊपर वाली लाइन को टच कर दे तो फिर ये लाल लाजमी बननी चाहिए। ये थोड़ी रिस्की ट्रेड है, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ कि ये विन होगी कि नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि ये मैंने गलत ट्रेड मार दिया, मुझे यहाँ पे अपने ट्रेड को सेल करना चाहिए था। लेकिन ये फिर भी विन हो गई है लकी करम से, लेकिन ये मैंने गलत ट्रेड किया। तो ये मेरी हमारी ट्रेड है, ये विन हो गई है। तो हम इसको बताएंगे कि भाई हमारी जो ये ट्रेड है वो विन हो चुकी है। तो मेरी तकरीबन 5 ट्रेड्स पूरी हो चुकी हैं, और जिसमें मैंने 2 लॉस किए हैं और 3 विन किए हैं, और मेरा जो बैलेंस था वो तकरीबन $72 था। तो मैंने अभी तक $8 इसमें मैं सिर्फ बना पाया हूँ, तो मेरे हिसाब से काफ़ी है। 5 ट्रेड्स मैंने कर ली हैं इस शीट के मुताबिक, और जो ये शीट कहेगी मुझे वही करना है, क्योंकि असल जो बैलेंस बढ़ रहा है वो इस शीट की वजह से, मेन चीज़ ये है, और सेकेंडरी चीज़ आपकी ट्रेडिंग है। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है आज के लिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।